एटलीस्ट एक हफ्ते हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेके जाएं तो सही रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड आज मैंने ये वाला न्यू वाला ब्लाउज डाला है जो कि मैंने हाल में स्टिच करवाया था और बस रेडी होके जा रही हूँ, मुझे मार्केट जाना है और मैं बिल्कुल ही सिंपल रेडी हुई हूँ। मैंने अभी फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, बस जस्ट मैंने वो लिक्विड सिंदूर आता है वो लगाया है एंड ब्लैक बिंदी, दैट्स इट, और लिपस्टिक। तो चलो अब जाएंगे मार्केट क्योंकि नए घर के लिए जो भी किचन का जो भी सामान वगैरह है, जो भी छोटी पूरी चीज़ें होती हैं वो शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो आई नो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, बहुत दोपहर हो गई है, आप लोग बोलोगे इतनी दोपहर में जाओगे, बट क्या करें, दोपहर को ही टाइम मिल पाता है, फिर शाम को जो है श्रेय घर पे होता है तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। और बेड पे देखो कपड़े सब ऐसे ही डले हैं, बाद में रखूँगी, तो ये गए गाड़ी निकालने के लिए। तो चलो देखते हैं क्या क्या सामान है। वैसे मैंने सारा सामान जो है लिस्ट आउट कर लिया था कल रात को ही और अभी भी हम लोग एक बार और चेक कर लेंगे क्या छूट गया क्या रह गया। तो चलो तो दोपहर के 12 बजे इतनी धूप होती है ना कि कई तो सारी शॉप भी बंद कर दी थी कई लोगों ने, ये देखे यहाँ पे। और भीड़ भी आजकल बाज़ार में दोपहर के टाइम तो बहुत ही कम भीड़ मिलती है, हाँ शाम के टाइम फिर कहीं ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना था स्टील वाली शॉप पे कुछ बर्तन वगैरह लेने के लिए किचन के लिए। कुछ बर्तन तो घर पे नए ही पड़े थे तो मम्मी ने वही पैक कर दिए, कुछ लेने थे तो वो मैंने नोट आउट कर लिए, वही लेने जा रहे हैं। एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा करके सामान की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है ना तो सब कुछ आज ही लेना पड़ेगा। आधा किलो है, 150 रुपया तो यहाँ पे हम आए हैं ये स्टील वाली शॉप पे जहाँ के बर्तन वगैरह हम लोग हमेशा ही लेते हैं और एक्चुअली इनके पहचान वाले जो हैं इनके भी शॉप है तो एक सही रहता है, जो हमारे जान पहचान के होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझ जाते हैं और अच्छे से सारी चीज़ें बैठ के समझाते हैं और दिखाते हैं। तो बस काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ पे मिला, हाँ बहुत छोटी सी शॉप है एंड बहुत पुरानी भी है बट कलेक्शन बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने यहीं से कुछ चीज़ें लेकर के फिर घर गए थे रखने के लिए। यहाँ पे ठीक है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी ये नेक्स्ट डे है, दोपहर के बज रहे हैं 2, तो मैंने नहा लिया है, हाँ आज मैं बहुत लेट मैंने शावर लिया है क्योंकि सुबह से मैं इतने सारे कामों में लगी हुई थी, हाँ। और कल का ब्लॉग मैंने नहीं शूट कर पाया, आप सोच रहे होंगे क्यों ये बार बार ब्लॉग जो है ब्रेक हो जा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था मैं एक दिन में एक ब्लॉग शूट कर लेती थी बट अभी आजकल मुझे बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो रही है
इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो फिर ब्लॉगिंग की शूटिंग नहीं हो पाती है। तो एक्चुअली कल मैं आई थी शाम को 5 बजे घर पे, उसके बाद फिर पूरे दोपहर हम लोग धूप में घूमे फिरे, इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था और तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, बुखार जैसा मुझे फील हो रहा था, बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि सामान जितना भी हमने लिया ना 2-3 बार हम ही लोग रखने गए हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता ना तो फिर कोई भी काम में मन नहीं लगता, इसलिए मैंने कल ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी से मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो अभी मैंने बाल बाल धो लिए, अच्छे से नहा धो लिया है और अभी भी मुझे तैयारी करनी है। अच्छा, आज सुबह 5 बजे की मैं जागी हुई हूँ और काम में ही लगी हुई हूँ। हाँ, घर का काम वो तो एक अलग बात है, बट और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे काम, शिफ्टिंग बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने बहुत सारे सामान जैसे मसाले वगैरह हो गए, इनको मैंने सूखने के लिए रख दिया था कल ही, तो वो सूख गए थे और आज मैंने सुबह उनको ग्राइंड किया, फिर मम्मी के लिए चीनी पाउडर वगैरह बनाया। इस ग्राइंडर का काम मेरा आज बहुत ज़्यादा हुआ, सामान वगैरह रखना था छोटा पूरा जो भी ग्रॉसरी का सामान है वो, क्योंकि एकदम से वहाँ पर शिफ्टिंग करने के बाद डायरेक्ट तो हम लोग शॉपिंग पे जा नहीं सकेंगे, क्योंकि अभी तो घर की सफाई करनी है, फिर पूरा सामान अपनी अपनी जगह पे लगाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। बेटर है कि मैं यहाँ से भी कुछ सामान लेके जाऊँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना कुछ पैक हो गया है। तो इस वाले रूम में देखिए, यहाँ पे ये मैंने दाल वगैरह पैक कर ली, लाइट ऑन करती हूँ, यहाँ पे मैंने दाल वगैरह पैक कर ली है और साथ ही साथ ये जो छोटा पूरा सामान है, ये साबुन भी मैंने रख ली, एकदम से नहीं कुछ भी हो पाएगा, इसलिए एटलीस्ट 1 हफ्ते हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेके जाएं तो सही रहेगा। और यहाँ पे देखिए बर्तन है, यहाँ पे भी बर्तन वगैरह हैं और भी जो भी सामान होता है वो, छोटी छोटी चीज़ों से लेके भी बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। और ये तो मम्मी ने पैक ही कर दिया, इसमें पूरा कांच का सामान है, इसलिए मम्मी ने अच्छे से पैक कर दिया है और ये भी पैक कर दिया था, बट जो जो मुझे याद आता जा रहा मैं रखती जा रही हूँ। ये देखिए, तो ये पूरा सामान हो गया है और ये है तो अभी जो है मम्मी लगाएंगी, और इस वाले में जो है मम्मी ने आटा भर दिया है, तो बस अब थोड़ा बहुत और है, तो अभी मैं और मम्मी ये जो सामान फैला पड़ा हुआ है ना, तो ये सामान भरने के लिए अभी मैं मम्मी को बुलाऊंगी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि मैं सो लेती हूँ जब तक तुम नहा धो लो, अपना काम कर लो, फिर मुझे उठा देना। तो अभी सामान वगैरह पैक करेंगे, 2 घंटे 2.5 जैसे हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर शाम का टाइम हो जाएगा, पूजा करना, कपड़ों को फोल्ड करना, घर के काम वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटर है कि हम लोग अभी ये खाली टाइम में, मैं रेस्ट नहीं करूँगी, ये सामान रख लूँगी पहले। तो यहाँ पे मम्मी ने सो लिया था और मैंने उठाया है उनको, मैंने कहा मम्मी अब चलिए, अब मेरा सामान लगा दीजिए, फिर शाम को मैं सच में बिल्कुल फ्री नहीं रह पाती हूँ, काम ही इतना सारा हो जाता है ना कि क्या ही बताएं। तो बस यहाँ पे मम्मी जी पूछ रही थी ये रख लिया, मैंने कहा हाँ सब कुछ रख लिया, बस आप रखते जाइए। एक्चुअली क्या होता है ना, मम्मी जी याद करा देती हैं तो फिर मुझे भी याद हो जाता है, वरना मुझे भूलने की बीमारी तो बहुत ही ज़्यादा है, सच बताऊँ। और मुझे इतना सारा सामान जो पैक करना था ना, मेरा तो सारा दिमाग ही ख़राब हो गया, कैसे मैं सब कुछ सामान वगैरह पैक करूँ। अच्छा, और मुझे कमेंट भी आया था कि दी आप जहाँ पर रहते हो अभी, तो ये आपका खुद का घर नहीं है। नहीं डियर, ये भी मेरा खुद का ही घर है, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ रीज़न है, कुछ कारण है जिसके वजह से मुझे अभी शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में ही बताऊंगी। तो बस यहाँ पे जो भी छोटा पूरा सामान था सब कुछ मैंने रख लिया है, मसाले वगैरह, दाल एंड बढ़िया आटा, दाल चावल, क्या नहीं होता, मीन्स छोटा छोटा भी अगर आप इकट्ठा करोगे तो क्या नहीं होता है। और कल हम शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, तो सामान भी इतना सारा हो गया था ना कि हम लोगों ने खुद नहीं ले पाया, ऑटो रिक्शा में लोड करके फिर हम लोगों ने घर पे रखवाया था। बस जी मोमरा मोमरा तो अभी खेल तो अभी नहीं रहा, तो एक मिनट आगे चलूँगा आपका है अगर जा रहा है तो जो बच्चे बच्चे
अभी रात का टाइम है और रात के बज रहे हैं 9, पूरा दिन काम किया मैंने, ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, लाइट चली गई और बस अब हम लोग सोने के लिए जा रहे थे तो सोचा चलो आपसे मिलके ब्लॉग एंड कर देते हैं। तो अभी श्रेय को पढ़ाया इन्होंने, पूरा रिवाइज कराया, मैंने एक बार पूछ लिया था शाम को, बट फिर भी उसके मंथली टेस्ट चल रहे हैं तो इन्होंने उनका लर्निंग वगैरह करवाया। और अब जो है हमारा सोने का टाइम होगा 10 बजे तक। अभी मैं क्या करूँगी, अपना मेरा अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, एक ब्लॉग आज मैंने शाम को नहीं डाल पाया, काम थोड़ा सा ज़्यादा था, तैयारियाँ वगैरह करनी है फंक्शन के लिए, इसलिए मैंने नहीं डाल पाया। तो मैं अभी वो डालूँगी जब तक श्रेय टीवी देखेंगे, उसके बाद फिर मैं श्रेय को भी जल्दी सुला दूँगी और फिर हम सब लोग सो जाएंगे। सो तो चलो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही। होप यू आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।